जबलपुर जिले की सीमा में एक ऐसे संत के पांव पड़े कि देखने वालों का तांता लग गया। जी हां, दरअसल अग्नि अखाड़े के संत महामंडलेश्वर 1008 श्री ईश्वरानंद जी महाराज का प्रवेश जबलपुर जिले के पावला पंचायत के छोटे से गांव जुगपुरा से हुआ, जहां भाजपा की पूर्व विधायक प्रतिभा सिंह ने पुष्प वर्षा करते हुए फूल मालाओं से आत्मीय स्वागत किया। समर्पण मां नर्मदा परिक्रमा के तहत सीहोर जिले के नर्मदा तट आवली घाट से 14 नवंबर से नर्मदा परिक्रमा का आगाज हुआ, जिनके साथ करीब 182 पुरुष एवं 41 महिला परिक्रमा वासी चल रहे हैं। भाजपा के पूर्व मंडल अध्यक्ष कमल गुमास्ता, स्थानीय परिक्रमा समिति के प्रभारी के अनुसार श्री महामंडलेश्वर जी की जो नर्मदा परिक्रमा यात्रा है, जिसकी समय सीमा 180 दिन की है, जिसमें पूरी परिक्रमा के दौरान 7 प्रभारी बनाए गए हैं, जिसमें सीहोर जिले से मुख्यमंत्री श्री चौहान के भाई नरेंद्र चौहान, उज्जैन से प्रदीप पांडे एवं ओम जैन जबलपुर से, जितेंद्र जामदार भोपाल से, शिवकुमार चौबे एवं हेमंत देशमुख महाराष्ट्र नंदुरबार से टीकम भाई का सहयोग मिल रहा है। वहीं परिक्रमा में सुरक्षा के लिहाज से जबलपुर जिले की सीमा में प्रवेश करते ही प्रशासन की मुस्तैदी में पुलिस के 11 आरक्षक, 2 महिला आरक्षक, 1 SI, 1 TI, 1 SDOP तथा राजस्व विभाग से नायब तहसीलदार, जिनकी सुरक्षा एवं देखरेख में लगे हुए हैं। परिक्रमा वासियों का इतना लाव लश्कर नर्मदा के जिस घाट से गुजरता है, देखने वालों का तांता लग जाता है। कहीं गाजे बाजे से स्वागत होता है तो कहीं फूलों की वर्षा हो रही है। वहीं बुधवार को जबलपुर के ग्वारी घाट में परिक्रमा वासियों का जत्था पहुंचने की संभावना जताई जा रही है। जी सर, ये जो परिक्रमा वासी निकल रहे हैं, ये कौन है और कहां तक जाएंगे? जी जी, आज सुबह नरसिंहपुर जिले से जबलपुर जिले के बॉर्डर जुगपुरा से नर्मदा यात्रा जबलपुर के अंदर आई है, और महामंडलेश्वर श्री ईश्वरानंद जी महाराज के नेतृत्व में सभी नर्मदा भक्त श्रद्धालु नर्मदा परिक्रमा हेतु निकले हैं। आज अभी हम लोग पावला घाट में खड़े हैं, और दोपहर में कौन से घाट में, झलोन घाट में थोड़ी देर के लिए भोजन एवं विश्राम होगा, और रात में यहां पर सरवुआ घाट में रात्रि विश्राम। सर, देखा जा रहा है कि बहुत ज़्यादा पुलिस बल तैनात है, ऐसा क्या है इनमें? आमजन की सुरक्षा हेतु पुलिस बल हमेशा ही तैयार रहता है। उसी तरीके से हम लोगों की जो व्यवस्थाएं रहती है शांति व्यवस्था के नाते, हम लोग हमेशा तैयार रहते हैं। सर, आपका नाम बताओ। मैं नायब तहसीलदार गौरव पांडे। अपने आसपास की हर छोटी बड़ी खबर देखने के लिए हमारे चैनल पुलिस ब्यूरो क्रेट्स न्यूज को बेल आइकन दबाकर सब्सक्राइब करें, जिससे आपको हर खबर समय से मिलती रहे। अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क करें, हमारे कॉन्टैक्ट नंबर हैं 9039011886।